सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने चल रहा हूं कि कैसे आप अपना $10 होने के बाद पिन के लिए अप्लाई करेंगे। पिन क्या है? पिन जानते हैं, एडसेंस पिन के लिए। सो गाइस, अभी तक तो मैं ये सिर्फ आपको लिफाफे उठा के दिखाता था, ठीक है, उठा के दिखाता था। और ये पिन किस तरह से भरा जाएगा, क्या चीज होगा, वही सारी चीजें इसमें जानेंगे। तो ये आपको लगता है ना प्रिंट आउट है, तो भाई देखिए पिन कैसा दिखता है। ये आप इसको पलट लीजिएगा, ये वैसे मैं एडिटिंग में अभी इसको पलट देता हूँ। तो ये आपको पिन इस तरह से दिखेगा, ये सीक्रेट कोड होता है, यही वो पिन है। एज लाइक ओटीपी की तरह काम करता है, जैसे मोबाइल में आपके ओटीपी आता है तो कंपनी यही समझती है कि आप वही व्यक्ति हैं जो उस चीज के लिए कोई काम कर रहे हैं। तो ये गूगल वही समझता है जब आपके एड्रेस पे ये भेज देता है। तो ये यहाँ पे एड्रेस है। अब इसको मंगाने में होने वाली दिक्कतों का सामना क्या करना पड़ता है, और आप वो दिक्कतों का सामना ना करें एडसेंस पिन मंगाने में, चलिए इसी पे हम आपसे चर्चा विचर्चा करेंगे और आपको तरीका बताएंगे अपने कंप्यूटर पे, या तो फिर आप उसको डेस्कटॉप मोड में भी अपना कर सकते हैं। सो चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो बस आप ही की तरह मैं भी आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी टॉपिक्स अपकमिंग में है कि जैसे कि किस तरह के RPM पे कितना ज्यादा रेवेन्यू आ जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा कुछ आने वाला है, तो टाइम नहीं मिल रहा है गाइस। अभी भी मैं यहाँ पे 12 बजे के करीब में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और ये वीडियो जो बनाने वाला था वो मैं बहुत कुछ पहले बना चुका था, बट अभी मेरे पर टाइम मिला तो मैंने सोचा चलो अभी मैं डालता हूँ। तो यहाँ पे ये एडसेंस पिन है, ठीक है, आप फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे क्या काम होता है। बट उस चलने से पहले, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया? नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। दोस्तों यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया हूँ, इसको आप मोबाइल स्क्रीन में डेस्कटॉप मोड पे भी देख सकते हैं, और यहाँ से एक एक पॉइंट बड़ा ही नाजुक है, तो पूरा वीडियो बिना स्किप के आप देखिए और बने रहिए। यहाँ पे मैंने अपने चैनल का स्टूडियो पेज ऑन कर लिया है, जहाँ पे आपको टॉप ऑफ द मोस्ट, जहाँ पे हम एड्रेस बार के नीचे आप देख पाएंगे यहाँ पे कि ये जो है लिखा है इम्पोर्टेंट, प्लीज साइन इन टू योर एब्सेंस अकाउंट टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। तो ये मेरा एडसेंस अकाउंट है, ठीक है, और यहाँ पे जब मैंने इसको लॉग इन किया था तो मुझे ये जो आप देख रहे हैं पिंक वाला, तो यहाँ पे क्या है कि जब आपको $10 हो जाते हैं तो आपको YouTube यहाँ पे ये वाला मैसेज जो है पहला वाला ये दे देता है, या फिर आपको एक मेल आ जाएगी। तो यहाँ पे एडसेंस अकाउंट आपको ओपन करना है, एक्शन बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, लिखा है प्रोवाइड सम इन्फो अबाउट योर सेल्फ टू कंटिन्यू। अब यहाँ पे हमें जो है वेरीफाई कर लेना है, तो वेरीफाई पे हमको सिंपली क्लिक कर देना है यहाँ पे। अब ये वेरीफाई करेगा, अब वेरीफाई में क्या करता है, तो यहाँ पे लिखा है व्हाट यू विल नीड फॉर वेरीफाई, ठीक है, यू विल नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, रिसीव पेमेंट फ्रॉम गूगल एडसेंस, कीप अर्निंग ऑन यूट्यूब, ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे, एंड ID टू वेरीफाई दैट इट्स रियली यू, ठीक है, मतलब वो ID लगाइए जो कि आपको वेरीफाई करते हैं कि रियल में वास्तविक रूप से आप वही हो। तो इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID एंड DL, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है क्या कहते हैं कि हम लगाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस, तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा, और यहाँ पे लिखा है आधार कार्ड आर नॉट एक्सेप्टेड। आधार कार्ड अभी एक्सेप्टेड नहीं है, सिर्फ ये 4 डॉक्यूमेंट है जो कि आप लगा सकते हैं, ठीक है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और इंडियन पासपोर्ट। तो ये चीज़ हम लगाएंगे। अब बीइंग वेरिफिकेशन पे हम यहाँ पे क्लिक करने जा रहे हैं, तो इस पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है पर्सनल आइडेंटिटी, ठीक है, इंटर द एग्जैक्ट नेम, ठीक है, सेम नेम जो भी है आपका लीगल नेम, जो लीगल नेम हम अपना यूज़ करेंगे, अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, ठीक है, अब उसका जो भी लीगल नेम है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे मेरा नाम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अतुल कुमार सिंह, और उसके बाद में यहाँ पर आगे का जो प्रोसेस है उसमें हम ID चूज़ करेंगे। तो ID में हम यहाँ पर चूज़ करने चल रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस, जैसा कि मैंने आपको पहला बताया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है जो आ रहा है DL, तो हम DL पे चूज करेंगे।
डीएल चूज करने के बाद में हम अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का पहला फ्रंट जो कि आपने कैमरा से खींचा है अपने मोबाइल के थ्रू, उसको सिंपली यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा और ये इस तरह से देखिए वहाँ पे बन गया। अब उसके बाद में हम जो है बैक साइड का भी यहाँ पे लेंगे और उसको भी अपलोड कर देंगे। आप ये प्रोसेस लैपटॉप, कंप्यूटर और अपने फ़ोन से भी कर पाएंगे बड़ी आसानी से। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ जो कि पूरे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है यहाँ पे परसेंटेज में, तो मैंने स्क्रीन छोटी की और यहाँ पे देखिए नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो मैं नेक्स्ट। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस दिया है और अब मैं नेक्स्ट करूँगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इंटर आइदर दैट्स योर ऑन आईडी योर परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो एड्रेस देना है वो भी है, जो हमारे क्या कहते हैं कि डीएल इसके अकॉर्डिंग ही हमको अपना एड्रेस भी देना है, तो एड्रेस भर करके मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा रोका है मैंने कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब आप वहाँ पे आपका आधार कार्ड तो लेगा नहीं, ठीक है, डीएल की इन्फॉर्मेशन लेगा, ठीक है, या पैन कार्ड की लेगा, तो आपको मैंने तो डीएल की दे दी है जो भी आपको वहाँ पे तीन आ रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि जब आप अपना नाम भरेंगे, नाम के बाद में जब नीचे एड्रेस डालेंगे, तो एड्रेस वाले मार्क पे यहाँ पे देखिए ये जो मैंने अपना एड्रेस डाला ना, यहाँ पे डाकियों को क्या दिक्कत हो गई, डाकिया बोला सर आप अगर इसमें अपना फोन नंबर दे देते तो मैं सीधे आपको कॉन्टेक्ट करता और आपके घर या आपसे कहीं भी कंसर्न करके मैं ये चीज दे देता। बस ये गलती मत करिएगा, फोन नंबर डालना मत भूलिएगा, फोन नंबर जरूर एड्रेस में मेंशन कर दीजिएगा। तो चलिए आगे का देख लेते हैं। अब इसके बाद हमने इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है यहाँ से एड्रेस देने के बाद में, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। वेरिफिकेशन सबसे सक्सेसफुल हो गया, यू आर रेडी, चेक द ईमेल दैट्स वी सेंट यू टू फॉर मोर डिटेल्स, ओके। सो गाइस जब आप यहां पे क्लिक करेंगे वेरिफिकेशन चेक पे, तो यहां पे आएगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, ठीक है। अब यहां पे जो है हमारा क्लियर हो गया सारी चीज, अब बस यही था आपका कंप्लीट होने के बाद में। अब आप एडसेंस यूट्यूब पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और देख पाएंगे कि कितना क्या कैसे अमाउंट वगैरह है, तो यहाँ पे आपका जो है लेटेस्ट पेमेंट है, लास्ट पेमेंट है एंड बैलेंस है, ठीक है। गाइज यहाँ एक दिन के बाद में, ठीक 24 घंटे के बाद में, कल 12 बजे की मैंने वो सारी चीज़ किए थे जहाँ पे मैंने अपना आइडेंटिटी क्लियर की थी, ठीक है, वहाँ पे अपना डीएल लगा करके। अभी जो है क्या कह रहा है, यहाँ पर सेकेंड डे है, अब यहाँ पे एक दिन बाद मैसेज आता है योर पेमेंट आर ऑन होल्ड बिकॉज यू नीड टू वेरीफाई योर एड्रेस। अब यहाँ एक्शन पे, यहाँ पे बटन है तो ये एक्शन पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है आपको ये, और इस एक्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि वेरीफाई योर आइडेंटिटी, कन्फर्म योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, गेट योर अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एड्रेस वेरिफिकेशन, ठीक है, प्लीज इंटर व्हाट वी मेल योर एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अब यहाँ पे जो है आएगा रिसेंट पिन और सबमिटेड, ठीक है, तीन अटेम्प्ट हमें मिलते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो है हमको पिन का वेट करना है, जो कि पिन हमारी, सो दोस्तों यहाँ पे पिन हमें एंटर तब करना है जब ये मुझे बाई मेल मिलेगी। तो अब ये देखना है कि बाई मेल कब मुझे पिन मिलती है, तो यहाँ पे दिख रहा है मैंने एक्सप्लेनेशन मार्क पे क्लिक किया कि 19 तारीख को ये सेंड कर दी गई है, ठीक है, 19 को सेंड की गई है। अब यहाँ क्या है, योर पिन इज सेंड बाई स्टैंडर्ड पोस्ट एंड मे टेक 2-3 वीक टू अराइव, 2-3 हफ्ते लगेंगे, दिस पिन एक्सपायरी 19 फरवरी 2023 को, इफ योर पिन एक्सपायर बिफोर यू वेरीफाई योर एड्रेस एड विल स्टॉप शोइंग ऑन योर साइट, ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं कि ये पिन का एक्सपायरी दिया है 19 फरवरी, तो 19 फरवरी से पहले पहले हमारा जो है पिन हमें मिल जाना चाहिए। अब ये एड्रेस यहाँ पे जो देखिए, एक गलती क्या हुई है मुझसे, एड्रेस पे क्या लिखा रहेगा यहाँ पे जब वो मेरे पास आएगा,
या जो भी हमारे इलाके में आएगा कि माधोपुर खरकौनी नैनी करछना, ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश 211008। अब यहाँ पे ये पिन आएगी, यहाँ पे मेरा कोई फोन नंबर नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे जो है हमको फोन नंबर यहाँ पे एक मेंशन करना था, जो कि मैंने पहले वीडियो में आपको नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो गलतियाँ हम लोग करते हैं उससे जो है सारी चीजें सीख ली जाए। तो यहाँ पे जो है आप अपना वो एड्रेस, मेलिंग एड्रेस मतलब माधोपुर डालिए, ठीक है, या जो भी आपका एड्रेस है वो डालिए। उसके बाद में आप अपना एक मोबाइल नंबर जरूर वहाँ मेंशन कर दीजिए, ठीक है, जिससे मोबाइल नंबर के थ्रू आपको डाकिया या जो पोस्ट वाला होता है वो आपको कॉल करके ये कंफर्म कर सके कि भैया कहाँ पे देना है कहाँ पे नहीं देना है। तो ये चीज़ जो है मेन थी मुझे आपको बताने के लिए। तो बस आज के लिए बस इतना। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया। अब पिन आएगा, यहाँ पे पिन का नंबर है उसको आप डाल दीजिएगा, वो हो जाएगा। इसके बाद में बैंक वेरीफाई करना भी हम सीखेंगे आने वाले वीडियो में, जब बैंक की अकॉर्डिंग सारी चीजें होगी। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा कि आपको नंबर अपना ऐड करना है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं फिर से एक अन्य टॉपिक पे, विजय अतुल के जाजा, टिल देन गुड बाय। तो भैया साउंड का थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग की गई है, वॉइस ओवर किया गया, तो बहुत सारी डिस्टर्बेंस हुई है, तो उसको थोड़ा सा प्लीज मैनेज कर लीजिए। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो डू सब्सक्राइब एज सून एज पॉसिबल। सो देखिए आगे।